अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुर्तलन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। व्यूअर्स, आज हम लोग मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन में और आपको गुलबर्ग ग्रीन का विज़िट करवाएंगे, एरियल व्यू दिखाएंगे, ड्रोन शॉट्स हमने लिए हैं कुछ और ये आपको आज दिखाएंगे। आज हमने गुलबर्ग रेजिडेंशियल भी आपको दिखाना था, लेकिन यहाँ पे हमारा ड्रोन हो गया मिसप्लेस और वो हमें नहीं मिला, तो ये हमने कल बनाई थी वीडियो, आज फर्स्ट जनवरी है, इसको मैं आज आपको इसका जो वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो व्यूवर्स, अब स्टार्ट करते हैं। ये है गुलबर्ग का मेन एक्सप्रेस वे, बिल्कुल आप एक्सप्रेस वे से एंटर होते हैं तो ये बिल्कुल ही साथ मेन रोड से स्टार्ट हो जाता है। ये लेफ़्ट साइड पे इसका आज़ाद जम्मू कश्मीर किसी सोसाइटी का अब ज़मीन है और मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग ग्रीन का है, और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसके ये भट्टी टाउन है, जहाँ पे सर्विस रोड के उस साइड ग्रीन बेल्ट के भट्टी टाउन भी बस उसकी डेवलपमेंट, घर तो बहुत बने हुए लेकिन रोड्स वगैरह नहीं, बहुत पैथेटिक सा बना हुआ है, लेकिन गुलबर्ग की वजह से उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है। ये है जी रेड ब्रिज सामने, और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है इसका, ग्रीन्स का फार्म हाउस इसका फर्स्ट ब्लॉक है, सामने इसका ये सिविक सेंटर है। जो लोग गुलबर्ग में, ये आप देख रहे हैं बल्कि ये सामने काफ़ी हाई राइजेस बने हुए हैं, तो इसका बताने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग कह रहे होते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे कुछ नहीं बन रहा, ये है वो हो गया, तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इतने बड़े बड़े हाई राइजेस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, अब डिलीवर हो रहे हैं। ये सामने एग्जेक्टिव ब्लॉक है, नीचे जो नाला है इसके लेफ्ट साइड पे एग्जेक्टिव ब्लॉक है, राइट साइड पे इसके ए ब्लॉक है। ये रेड ब्रिज है, इसे कायदे आज़म ब्रिज भी कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अगेन एंड अगेन चीज़ें थोड़ी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली देख लें। हाँ जी, ये इसका बिज़नेस पार्क है, बिज़नेस पार्क आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक्स भी बने हुए हैं। रोड्स देखें व्यूअर्स, कितनी अच्छी खुली रोड है, आप रोड पे भी पार्किंग हुई हुई है, पता नहीं चल रहा, फिर भी आप तीन गाड़ियां गुजार सकते हैं एक टाइम में। एक गुलबर्ग ग्रीन का बोर्ड लगा हुआ है, ये सामने इसके लेफ्ट साइड पे बी ब्लॉक है जो कि फार्म हाउसेस का है, ये मेन पे सारा इसका कमर्शियल है। ये देखें हाई राइज प्रोजेक्ट्स बने हैं यहाँ पे, प्रिज्म बन रहा है, स्काई पार्क बन रहा है, समामा बना हुआ है और काफ़ी सारे इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं आपको नाम भी मुझे याद नहीं रहते। एग्जेक्टिव ब्लॉक में आप देखें ये जितने भी हाई राइजेस हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के हैं, ये बिजनेस पार्क है और इसके उस साइड पे किसी और की ज़मीन है, और ये आपको जो नज़र आ रहा है अब ये इसके गुलबर्ग के फार्म हाउसेज हैं बी ब्लॉक के, बड़े ही खूबसूरत फार्म हाउसेज बने हुए हैं 10-10 कनाल के, तो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये आपको एरियल व्यू आ रहा होगा पूरा गुलबर्ग ग्रीन का, ये इसका ए ब्लॉक है जी, ए ब्लॉक में सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुई हुई है जो कि फार्म हाउसेज हैं। अच्छा, ग्रीन्स में ओनली फार्म हाउसेज हैं, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं मिलेंगे आपको, ये सिर्फ फार्म हाउसेज हैं। व्यूअर्स, जो ग्रीनरी है जो इसका ना मतलब जो खूबसूरती है स्काई और ये जो व्यू आता है मरकाला का, तो मतलब इसकी खूबसूरती को और इन्हेंस कर जाता है। ये देखें कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन बेल्ट इन्होंने बड़ा अच्छा वो किया हुआ है, आजकल तो थोड़ा सा मौसम की वजह से। ये समामा है, यहाँ पे रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, ये आप अभी आज ही लेके यहाँ पे रह सकते हैं, फुली कैश पे यहाँ पे मिलते हैं, तो जिन्होंने फोरी रहना है अपार्टमेंट्स लेके तो वो इसमें आके रह सकते हैं। इतने लग्जरी नहीं है अंदर से, लेकिन अच्छे हैं लोकेशन वाइज, मतलब एक्सेस वाइज एक्सप्रेस वे से ये 300-400 मीटर की दूरी पे हैं, तो काफ़ी नज़दीक की चीज़ है इसलिए शानदार है। ये देखें जी, इसका ये मेन रोड है जो मेन बुलेवर्ड, ग्रीनरी को इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद है ये गुलबर्ग ग्रीन, क्योंकि एक तो एक्सेस वाइज आप पिंडी में जाते हैं, आप अगर इस्लामाबाद आते हैं या बहरिया साइड पे जाते हैं, तीनों एक्सेस बहुत नज़दीक हो जाती हैं क्योंकि ये मिड में आता है, तो लोकेशन इसकी अच्छी है, ये खुला है और फिर अंदर हर चीज़ आपको मिल रही होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ वो नहीं है कि आपको ना मिले। ये देखिए ये सामने फार्म हाउसेस में आपको दिखा रही हूँ, उसके जो ए ब्लॉक के
ये इसका बी ब्लॉक है जी। ये आप सामने देख रहे हैं जो बड़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है, टेलीनॉर का हेड ऑफिस है। राउंड अबाउट्स बने हुए हैं यहाँ से आगे, बाकी ब्लॉक्स को रास्ता जाता है, लेकिन जो टेलीनॉर का हेड ऑफिस है ये ऑपरेशनल है। यहाँ पे 6-7,000 एम्प्लॉय ऑन ग्राउंड वर्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गुलबर्ग का जो कमर्शियल एक्सेस वाइज जो एम्प्लॉय वगैरह आते हैं तो उनके लिए एक्सेस बड़ी अच्छी है। ये आगे गुलबर्ग अरीना बन रहा है, गुलबर्ग हाइट्स बन रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे एरिस टावर बन रहा है, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हाई रेज यहाँ पे, एक क्रॉकम हाइट्स बन रहा है, तो हर मतलब स्टैंडर्ड का आपको मिल जाता है। आप बहुत लग्जरी चाहते हैं, आप मीडियम चाहते हैं, आप थोड़ा लो चाहते हैं, तो हर तरह की आपको वो यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है। हर तरह का प्रोजेक्ट है, हर बंदे की नुआयत का। व्यूवर्स, ये तो आपने अपनी आंखों से देख लिया इसके डेवलपमेंट दिखाने का और थोड़ा सा बताने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे ऐसे सोसाइटीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, गुलबर्ग को ये कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं, काफ़ी न्यूज़ आ रही होती है। देखें, एक दो रेजिडेंशियल के ब्लॉक्स में इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं मानती हूँ, और हमेशा वो कहती हूँ जो रियलिस्टिक बात है वो है, लेकिन आप लोग वहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे सिक्योर है। मुझे बता दें कि कहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स इतने बड़े बड़े इतने जल्दी रेडी हुए, इतना ज़्यादा कमर्शियल, इतने ज़्यादा हाई रेजेज, इतनी अच्छी मेंटेनेंस रोड्स, मतलब घर बन गए हैं रेजिडेंशियल में भी। और इंशाल्लाह मैं आपको रेजिडेंशियल का भी विज़िट करवाऊंगी। वो सामने आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं, तो यहाँ पे 12-13,000 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जो कि आईबी के हैं, तो ये भी जनरल पब्लिक के लिए भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका इशू है, इसके ऊपर डिटेल रिव्यू किया जाएगा। ये इसका जी सी ब्लॉक सामने आता है, ये इसका जो राउंड अबाउट है यहाँ पे, लेफ्ट पे ई ब्लॉक, सी ब्लॉक, और वो सामने आपको डी और ई ब्लॉक है। तो व्यूअर्स, मेन पे सारा कमर्शियल है। मैं आपको कहूँगी आप आके लें, इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे सोसाइटीज़ में आप लोग जाते हैं जहाँ पे फाइलें लेके आप लोग फिर बाद में पछता रहे होते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल वेट कर रहे होते हैं, ये ऐसी सोसाइटी है। आएँ आप, ऐसी चीज़ें डेवलप पोजिशन रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्लॉट लें और घर बनाएं, बहुत अच्छी सोसाइटी है और आपके सामने है। मैं ये कोई तारीफ़ें नहीं इसकी कर रही, आपको यहाँ पे खुद नज़र आ रहा होगा। तो काफ़ी सारे लोगों को सही तरह पता नहीं है गुलबर्ग ग्रीन का, क्योंकि पुरानी न्यूज़ होती है ना, वो देख के वो कहते हैं पता नहीं गुलबर्ग में एक बंदे का प्लॉट का मसला हो तो सारे उनको ही ख़राब कर दिया जाता है। व्यूवर्स, ये थे ड्रोन शॉट्स गुलबर्ग ग्रीन के, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। सिक्योर सोसाइटी आई बी इंटेलिजेंट ब्यूरो के, आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये मेरे ड्रोन के लास्ट शॉट थे, इसके बाद मेरा ड्रोन ऊपर हाइट में गया और वो मुझे वापस नहीं मिला, तो अब मेरे पास ड्रोन नहीं है। इंशाल्लाह मैं न्यू ड्रोन बाय करूँगी। दुआ करें आप लोग भी कि मेरा ड्रोन मिल जाए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ करते रहें।